हेलो बोलो सब लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। सो संडे इवनिंग है और इवनिंग के आफ्टरनून है। हम लोग सब फ्रेंड्स का प्रोग्राम बना कि चलो कहीं पे घूम के आते हैं, क्योंकि वेदर क्या है ना, कभी अच्छा हो जाता है कभी ऐसा हो जाता है। और महाराष्ट्र में जो घूमने का असली मज़ा है ना, वो मॉनसून में ही है। और तो हम लोग जा रहे हैं मुलशी डैम। तो सोचा कि उधर की साइड थोड़ा कुछ वेदर अच्छा होगा, क्योंकि ऑन ऑफ है, कभी धूप आ जाती है कभी बारिश हो जाती है। तो हम लोग सब थ्री फैमिलीज़ वहीं के लिए निकले हैं। और ये जो वेदर है ना, जो क्लाउडी हो जाता है, इसमें ना स्काई बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो बच्चे थे वो हमारी कार में आ गए। अब आप सोच रहे होंगे अनवित कहाँ है। अनवित मेरी फ्रेंड की कार में चला गया। और ये देखिए, उसको सनरूफ इतना ज़्यादा पसंद है कि वो मतलब जाते ही उसको पता था कि मम्मी सनरूफ ओपन नहीं करेंगी, क्योंकि अनवित को कोल्ड था। तो मैं अपनी कार का सनरूफ ओपन नहीं कर रही थी, लेकिन वहाँ पे फ्रेंड की कार में गया तो उसने तुरंत जाके बोला कि सनरूफ ओपन करो। तो उसको पता था कि आंटी मना नहीं करेंगी, तो ओपन करके और वो इन्जॉय करने लगा। तो यहाँ पे जो मुलशी डैम है, वो मतलब डैम में तो अभी पानी नहीं है, लेकिन वहाँ पे ना मतलब काफ़ी अच्छा सीनिक है, व्यू है। और मेन तो ये है कि लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी और थोड़ा मतलब चेंज हो जाएगा। तो ये सब करके ही हम लोग मतलब सोचा कि चलो घूम के आते हैं और चाय वाया शाम को फिर बाहर ही पियेंगे। और मैं ऐसे क्लिप डालती हूँ घूमने वगैरह का, तो आप सब लोगों को अच्छा भी लगता है। और पुणे के भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं। कसर साई डैम गई थी तो वहाँ का जो व्लॉग है वो आप सब लोगों को बहुत पसंद आया। और घर के आस पास ही ये सब प्लेसेस हैं और अच्छे भी लगते हैं। ऑलमोस्ट 1.5 आवर की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंचे हैं। तो यहाँ पे ना एक सरदार जी का ढाबा है, पैराडाइज कैफे करके, ये बहुत अच्छा है। बेसिकली यहाँ पे ना सब लोग बेसिकली इसी के लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, खाना तो अच्छा है ही और दूसरा व्यू और पूरा सीनिक है और नीचे भी हम आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए थे, आई थिंक 7 ईयर्स एगो आए थे, तब हमारी न्यू शादी हुई थी और मेरी सिस्टर लोग भी आई थी बेल्जियम से, तब उनके साथ हम लोग आए थे। तो वही सब जो मेमोरी है वो रिवाइव हो गई। और ये बेसिकली ना, अगर आप लोग भी आएँ तो ये वाला कैफ़े ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ मतलब मिल जाएगा। और यहाँ पर डैम वैम भी सब ऐसे मतलब दिखाई देता है। तो हम लोग सब पहुंच गए हैं और वेदर भी ना काफ़ी अच्छा हो गया था। यहाँ पे आते आते बारिश भी हो रही थी और पूरा सब कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और इनफैक्ट अगर फ्रेंड्स के साथ आओ तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये है सरदार जी का पैराडाइज कैफ़े, तो काफ़ी मतलब अच्छा था। तो हम लोगों ने सोचा खाली चाय वाय पियेंगे, लेकिन आते आते सबको भूख लग गई। तो पहले तो मैं आपको सीन दिखा देती हूँ। यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया और काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने हर एंगल से इतनी ज़्यादा फोटो क्लिक की, आई विल शेयर विद यू। और मैंने एक रील भी शेयर किया है इंस्टा पे और यूट्यूब शॉर्ट में, आप वो भी जाके देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पनीर पकोड़ा, प्याज पकोड़ा, नूडल्स और क्या क्या मंगाया था हम लोगों ने, सैंडविचेज मंगाए थे, चाय के सब लोग दो दो कप ख़त्म कर गए, थोड़ा वेदर चेंज हो गया था ना इसलिए। और फिर ये हुआ कि खाते गए तो भूख बढ़ते गई, बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज वगैरह ये सब मंगाया था। सभी कुछ अच्छा था। और ये जो मेरी एक फ्रेंड है, उसका आज प्रदोष का व्रत था, उसके लिए देखिए जंबो पटियाला लस्सी का गिलास आया है, 1 लीटर का है ये पूरा, जो कि थोड़ा थोड़ा सब लोगों ने शेयर किया था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मेरे बस के नहीं है इसको ख़त्म करना। लेकिन ये है कि मतलब बहुत ही मज़ेदार था और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इन्जॉय किया। अभी हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। रात में आते आते थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि जाम वगैरह हो जाता है ना, सब लोग वापस लौटते हैं, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ये हो गया था। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए हॉट वाटर गरम किया है और यहाँ पे मैंने कॉर्न बॉईल करने के लिए रखे हैं।
और साथ ही मैं बनाऊंगी सौरभ की चाय, तो बनने के लिए रख दूंगी, क्योंकि आजकल क्या ना वेदर थोड़ा सा ज्यादा कोजी कोजी रहता है तो उठने का मन नहीं करता, लेकिन यह कि मुझे तो उठना ही है और उठ जाती हूँ मैं। सौरभ भी अभी उठने ही वाले हैं तो मैंने सोचा कि चाय बना देती हूँ उनकी। और मैं तो मतलब जब से मेरी तबीयत खराब हुई है, मुझे इतना ज्यादा वो सीवियर कफ हुआ था, मतलब मैं तो इतना ज्यादा डर गई हूँ वो दिन और आज का दिन, मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। मतलब मेरे से मटके वाला पानी भी बहुत ही कम पिए जाता है, और तभी नया नया शुरू किया था और मुझे बहुत सीवियर पकड़ लिया था। आप में से किसी ने मुझे अमरूद के पत्ते का बताया था, मैंने वो चबाया, उससे भी मुझे बहुत राहत मिली है। आई थिंक चारू बिस्ट जी ने मुझे बताया था, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, मैंने वो खाया। और बस यहाँ पे अभी वेदर एक्चुअली मॉर्निंग में थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, एकदम क्लाउडी और ऐसा लगता है कि बारिश होगी, हालांकि उस तरीके से यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है जिस तरीके से होनी चाहिए, लेकिन फिर भी है कि वेदर अच्छा है, मतलब गर्मी नहीं है एटलीस्ट। तो बस यहाँ पे मैं अपना जो पानी है ना, गर्म पानी, वो इंजॉय करूँगी, उसके बाद तो फिर काम पे लगना ही है। बस उनको मैं बोल के आई हूँ दोनों को कि भैया उठ जाओ, अपना ये जो बाद वाला होता है ना, 5 मिनट 5 मिनट वाला, वो थोड़ा सा खतरनाक होता है। तो बस आज ना मैं बहुत टेस्टी वाले सैंडविचेस बनाने वाली हूँ, वो बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और आई एम श्योर अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो आपके बच्चों को और आपको भी ना बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बहुत अच्छी टिफ़िन रेसिपी है, आप दे सकते हैं। तो बस यहाँ पे उसी की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे लगा कि आज थोड़ा सा ये जो लोग ज़्यादा टाइम ले रहे हैं उठने में, तो मीन वाइल मैं जो अपनी वेजिटेबल्स की चॉपिंग वगैरह ना वो सब मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अनवित उठेगा, उसका थोड़ा सा गर्म पानी पिलाना और ये सब ना उसमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि वो बहुत झिकझिक करता है, नहीं पीना नहीं पीना ये सब ना। और आप सब लोगों को तो मतलब पता ही है, सबके बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो उनको हर किसी को मतलब ऐसे ही टाइम लगता है, बच्चों को थोड़ा सा थोड़ा पैम्परिंग चाहिए भी होता है ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पे ना वेजिटेबल आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने कैप्सिकम लिया है और इसमें मैंने टोमेटोज लिया है और कुकुम्बर लिया है। अनियन मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि लंच बॉक्स में भी देना है, फिर अनियन स्मेल भी करता है और मुझे यूजुअली ब्रेकफास्ट में ऐसे कच्चा प्याज वगैरह खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और तो इसीलिए मैंने नहीं लिया। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। इसमें मैं कॉर्न भी ऐड करूँगी, वो मैंने मॉर्निंग में बॉयल किए थे तो आपने देखा ही था। तो वेजिटेबल्स को सबको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, इनको फिर मैं चॉपर में ही चॉप करूँगी। और इधर जो अनवित है वो भी उठ ही गया था, और अनवित को ना कल अनवित को छींक आई थी बहुत तेज, तो उसके दांत आपस में टकराए, तो तब से ना उसके एक दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो परेशान है, उसको लग रहा है कि उसका दांत टूट गया है। मैं उसको समझा रही हूँ कि दांत नहीं टूटा है, लेकिन वो कन्विंस नहीं हो रहा है, हल्का सा गैप है दांत के बीच में, तो उसको लग रहा है कि कल से बोल रहा है कि मेरा दांत टूट गया है, बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि समझ नहीं आ रहा कि उसको मतलब हो क्या रहा है, या तो अटेंशन सीक कर रहा है या फिर आई डोंट नो मतलब क्या हो रहा है, बट परेशान है थोड़ा सा। देखो यहाँ पे पूरे दांत है, 1 2 कहाँ पे है? दांत ठीक है, नहीं टूटा। सैंडविचेस में बेस के लिए मैंने लेटस ली है, और उसको ही सबसे पहले मैं चॉपर में चॉप करूंगी, बहुत ही बारीक बारीक करना है सब वेजिटेबल्स को, क्योंकि हम कच्ची वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे ना और बारीक चॉप करेंगे तो वो इजीली मतलब चब जाएंगी और इरिटेट नहीं करेंगी। और उसके बाद मैंने अदर जो मेरी वेजिटेबल्स थी उनको भी अच्छे से ऐसे चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। फिर यहाँ पे देखिए जो वेजिटेबल्स है ना, एक्चुअली सभी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो कि पानी छोड़ेंगी, तो इसीलिए आपको उनको हल्का सा स्क्वीज करना है, क्योंकि मतलब फिर वो रनिंग कंसिस्टेंसी वाला हो जाएगा वरना। तो स्क्वीज़ करके मैंने वाला जो पानी है वो निकाल लिया है, और यहाँ पे जो कॉर्न है ना
वो भी ऐड कर दिए हैं इसमें। और ये देखिए लेटस और ये सारी मेरी वेजिटेबल्स। और ये जो पानी है ना इसको फेंकना नहीं, इसको आप पी जाना, टेस्टी भी लग रहा था और हेल्दी तो है ही, फ्रेश वेजिटेबल्स का पानी है तो इसीलिए। और ये देखिए बहुत ही वियर्ड सी क्लिप है, सौरभ को आज पता नहीं क्या हुआ, कोल्ड ड्रिंक का बोतल था तो सौरभ कहने लगे वो जो दिखाते हैं ना हेल्थ के लिए, मैं इसको टॉयलेट में डाल के देखता हूँ कि क्लीन होता है कि नहीं होता है, वर्क करता है कि नहीं करता है, बट कुछ भी नहीं हुआ, वो सब ना सब फेक होता है, आई डोंट नो क्या था तो वो सब था। एनीवेज तो बस यहाँ पे मैं अपना लॉन्ड्री लगाने के लिए आई हूँ, क्योंकि अभी वेदर ऐसा हो रहा है एवरी डे ही लॉन्ड्री लगानी पड़ रही है और एक एक दिन मतलब दो दो दिन में जाके कपड़े सूख रहे हैं, तो बस मॉनसून में ना यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो कपड़े हैं ना वो नहीं सूखते हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा लगता है और कपड़े बस दो या तीन दिन ऐसे लेते हैं सूखने में, तो थोड़े थोड़े करके ना एवरी डे डाल देती हूँ ताकि मतलब जल्दी, ड्रायर भी अगर कम कपड़े हों तो ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है और सूख जाते हैं ना कपड़े। सो अनवित आ गया है वॉक करके और उसने आते ही देखी मतलब प्रिपरेशन सैंडविचेस की, तो वो हैप्पी हो गया क्योंकि उसको ये सब प्रिपरेशन होती है ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको लग रहा है कि आज कुछ स्पेशल बनने वाला है। कल सीडेड ब्रेड ऑर्डर की थी मैंने और कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो बिग बास्केट वगैरह से ये मतलब फ़ायदा हो जाता है, जब आपका कुछ भी बनाने का मन हो तो तुरंत सामान आ जाता है। तो बस यहाँ पे जो अनवित है वो एक्चुअली शावर लेने के लिए चला गया, तो मैंने सोचा उसका जो टिफ़िन है ना वो फटाक से रेडी कर देती हूँ। तो वेजिटेबल्स में ना मैंने मेयोनीज़ ऐड किया है, वर्बा का मेयोनीज़ लिया है, एक ब्रांड का मेयोनीज़ मैंने और ऑर्डर किया था, मुझे लग रहा था कहीं कम ना पड़ जाए, तो यहाँ पे मैंने इटालियन सीजनिंग ऐड की है, ब्लैक पेपर ऐड की है, सोल्ट ऐड किया है, चिली फ्लेक्स मैं इसमें अभी ऐड नहीं करूँगी, वो मैं बाद में जब हम लोग खाएंगे तब ऐड करूँगी, क्योंकि अनवित के लिए ना वो बहुत ज़्यादा फिर स्पाइसी हो जाएगा। तो इसको अच्छे से मतलब मिक्स करना है। और ये देखिए जामुन है हमारी सोसाइटी के, तो मम्मी पापा नीचे वॉक करने के लिए जाते हैं ना तो फिर लेके आ जाते हैं और नमक लगा के ना मतलब अच्छे भी लगते हैं। और ये देखिए फनी क्लिप, मेरी जो टंग है वो कैसी हो गई है। तो बस यहाँ पे जो ब्रेड है ना वो मैंने तवे पे सेक ली है, इसको मतलब सैंडविच मेकर वगैरह में नहीं बनाना है, बस ब्रेड आप एक साइड से ही सेकिएगा, दोनों साइड से ब्रेड सेकनी भी नहीं है, तो बस एक साइड से क्रिस्पी हो जाए उतना ही। तो बस यहाँ पे मैंने मेयोनीज लगा दिया दोनों स्लाइस पे हल्का सा, और ऊपर से लेटस लगा दिया, और जो हमने अपना मिक्सचर तैयार किया है ना वेजिटेबल और मेयोनीज वाला वो मैंने लगाया है, और ऊपर से बस मैं इस पर ब्रेड मतलब रख दूंगी। तो ये देखिए बहुत टेस्टी सैंडविच बनके तैयार हुआ था, और इसमें ना मैंने हनी ऐड किया है अनवित के सैंडविच पे, तो हनी ऐड करेंगे ना ये बिल्कुल रशियन सैलेड वाला आपको टेस्ट देगा, मस्ट ट्राई है और आपको ये मतलब पसंद आएगा। अगर आप हनी अवॉइड करते हैं तो आप हनी अवॉइड करके देखेगा, लेकिन आप एक बार हनी वाला भी ट्राई करके देखेगा। तो बस यहाँ पे अनवित का जो लंच बॉक्स है वो मैंने पैक कर दिया, और आज उसको पता नहीं कहाँ से कल से बोल रहा था कि उसको नट्स रखने हैं, यूजुअली वो नट्स फ्रूट्स स्कूल में बिल्कुल भी नहीं लेके जाता, बहुत ज़्यादा फजी है इस मामले में, क्योंकि वो मेरी तरह ही थोड़ा सा चटोरा है, उसको चिप्स और ये सब चाहिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा उसने खुद से ही बोला कि उसको नट्स चाहिए, तो आज मैंने उसके थोड़े से नट्स रखे सैंडविच के साथ, उसका लंच बॉक्स वगैरह जो उसका बैग है वो पूरा पैक कर दिया। और चूँकि उसकी पसंद का लंच था तो एक 1/4 सैंडविच मैंने उसको ब्रेकफास्ट में भी दे दिया, यूजुअली ब्रेकफास्ट करके नहीं जाता है, तो मैंने आपको बताया ना मॉर्निंग में बच्चे कहाँ मतलब खा पाते हैं, तो यही उसका रहता है, तो लेकिन उसको सैंडविच अच्छा लगा, ये पसंद आया उसको, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो उसको पसंद आया और खुश होकर उसने खाया। उसको हनी वाला मैंने पहली बार लगा के दिया, इससे पहले बिना हनी के दिया था, लेकिन उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया कॉम्बिनेशन। चढ़ा किसे पूछ के था, किसे पूछ के चढ़ा था ऊपर? हाँ स्कूटर पर पापा उतार देते चाबी। मास्क नहीं उतारना स्कूल में, ठीक है? टेक केयर।
और अनवित गया स्कूल और सैंडविचेस देख के मुझे भी भूख लग गई, तो मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए और आज मैंने फिर ब्रेकफास्ट जल्दी कर लिया, क्योंकि ये सैंडविच ना रियली टेम्पटिंग होता है और चिली फ्लेक्स ना थोड़ी सी मतलब ज़्यादा हो गई थी, वाली स्पाइसी थी एक्चुअली, फ्रेश कुटी हुई थी या क्या था, तो आप थोड़ा कमी ऐड करिएगा। तो बस यहाँ पे मैंने मतलब सबके लिए सैंडविचेस लगा दी, क्योंकि आप लगा के रख भी सकते हैं, इसमें ऐसा गर्म का कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बस मैंने एक साइड मेयोनीज लगाया, एक साइड केचप लगाया, तो ऐसे मतलब इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन कर सकते हैं। तो ये मैंने मम्मी के लिए लगाया और दूसरा मैंने हनी वाला अपने लिए लगाया। तो ऐसे बस आज का और कल का डे था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और सैंडविच बनाने वाली थी तो मेरा बहुत मन था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो पसंद आती हैं, थैंक यू सो मच। तो ये देखिए ये हैं हमारे सैंडविचेस, तो अभी मैं और मम्मी ब्रेकफास्ट करेंगे और चलिए जल्दी मिलूंगी आप लोगों से मैं एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं करते तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय, टेक केयर, बाय।